अच्छा तो सबको मसला ये लगा भाई कि जी एपीए फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अगर तो बिल्कुल ही 2-3 मिनट में काम करना है और एक्चुअल सीखना नहीं है तो तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जाओ गूगल डॉक्स में, और गूगल डॉक्स में टेम्पलेट गैलरी आ रही है, ठीक है। इस टेम्पलेट गैलरी में सबसे आखिर के अंदर आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन, यहाँ पे एक रिपोर्ट है एपीए, तो इस रिपोर्ट पे क्लिक करो और आपको ये पूरा एपीए वाला स्टाइल मिल जाएगा। बट आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ अपना जो जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना पेपर फॉर्मेट करना है और जो है वो सबमिट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका रनिंग टाइटल आएगा, यहाँ पे आपका पेपर का फुल टाइटल आएगा, या नाम आएगा, या इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जो जो चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से भर लो। अब बात आती है रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस भी आपको एपीए स्टाइल में चाहिए। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, और अगर ये नहीं समझ आती तो एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये है। जैसे मैं ये पेपर पढ़ रहा हूँ अभी, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको सर्च किया, तो इवेंचुअली मुझे एक आर्टिकल का लिंक मिल गया। मेरे पास ये पेपर है, मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड साइटेशन पे। अब ये साइटेशन मेरे पास आ रही है, अगर मैं प्लेन टेक्स्ट लेता हूँ इसको तो ये इसकी टाइप आ गई है। अगर मैं इसको मैच करूँ इस रिपोर्ट की साइटेशन से, यहाँ पे ऑथर का नेम और इसके बाद उसका ईयर और फिर टाइटल और फिर जर्नल का नाम और फिर उसका DOI, यहाँ पे भी देखो ऑथर का नेम, ईयर, टाइटल, जर्नल का नेम, उसका DOI, ये एपीए में है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी किया इधर ला के मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसकी साइटेशन दूंगा, साइटेशन एपीए में इन टेक्स्ट होती है, इन टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के साथ, एब्स्ट्रैक्ट में कोई साइटेशन नहीं आएगी, ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ 2014 वॉज द ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, अब मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जो है 2014 है, तो इस पेपर के अंदर ये चीज़ मेंशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ब्रैकेट लिखा और मैं इसमें लिखूँगा ए टी पम्यूला, सर नेम लिखने वाले, और वांगला एंड वांगला कॉमा 2017, यानी नेम ऑफ द ऑथर और ईयर। इसको कहते हैं इनटेक्स्ट साइटेशन, कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी उसके आगे उसका रेफरेंस लगा ब्रैकेट में, और ये जो फॉर्मेट है उसको बोलते हैं एपीए फॉर्मेटिंग। खुद से रेफरेंसेस नहीं करने हैं, उसकी आसानी का तरीका ये है कि आप जिस वेबसाइट से भी पेपर उठाओगे वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। दूसरा तरीका ये है कि मैं गया एनसीबीआई पर, एनसीबीआई पर जाने के बाद मैंने कोई भी पेपर निकाल लिया यहाँ पे, एक्सरे, या मैं खाली लिख रहा हूँ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी और क्राइटलोग्राफी लिख दिया मैंने तो ये, और उसके बाद मुझे ये चीज़ें मिल गई। अब मैंने पबमेड पे गया, पबमेड पे मुझे ये सारी चीज़ें आ गई, मैंने यहाँ से निकाला फुल टेक्स्ट तो मेरे रिजल्ट्स और फिल्टर होगा। और अगर मैंने ईयर सेलेक्ट करना है तो मैंने पिछले 10 इयर्स का डेटा रखा है या 20 इयर्स का डेटा रखा है, मेरे पास ये पब्लिकेशन था। अब मैं किसी भी पेपर पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने पेपर खोल लिया, यहाँ पे बटन आ रहा है साइट का, इस साइट के बटन को क्लिक करो, यहाँ पे रेफरेंसेस आ रहे हैं, फॉर्मेट पे जाओ, एपीए सेलेक्ट करो और देयर यू गो, कॉपी द साइटेशन एंड पुट इट इन योर रेफरेंसेस
और जब भी साइटेशन को यूज़ करना है तो यूज़ द सरनेम ऑफ द ऑथर्स विद द ईयर। अच्छा, अगर 6 से ज़्यादा हैं, लेट सपोज अभी जो हमने साइटेशन दी इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर मैं इसको साइट करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खोला पेपर, कहाँ है पेपर ये, और मैं इस पेपर को देख रहा हूँ, बैम ए लैक्स टिपिकल कैटलिटिक सेंटर, बैम ए लैक्स अ टिपिकल कैटलिटिक सेंटर। अब जब मैं इसको साइट करूँगा ना, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉर एच एट ऑल कॉमा 2021, ये इसका गाइडलाइन है। सही, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर एट ऑल, एब्रिविएशन है ये। दैट्स हाउ यू पुट एन इंडेक्स साइटेशन, और ये आपकी रेफरेंस है। रेफरेंस में भी वो कह रहे हैं कि अगर 7 ऑथर्स हैं तो आप 6 के बाद फिर आप डॉट 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 लगा के लास्ट ऑथर का नाम लिख दोगे। तो इस तरह लिखने को कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, एंड दिस इज़ द एपीआई रेफरेंसिंग।